महेश पंचनेर की हवेली में? कहीं उसने रॉकी को तो? हर चीज हाथ में आके निकल जाती है। नागमणि मिलने ही वाली थी, नहीं मिली। और मेरा रॉकी, वो भी मेरी जिंदगी में आके चला गया। किसी और का हो गया वो। मैं नहीं मानता था कि रेला से प्यार भी होता है। उसे देखते ही कुछ हो गया था। अब उसे फिर फैसिनेशन का अट्रैक्शन या फिर इन्फैचुएशन, मेरे लिए वो प्यार था। आज के बाद उसे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं होने दूंगा। नागमणि तुझे नहीं मिली तो क्या हुआ यामिनी? चल ये नागमणि वाली बिंदी चिपका ले और खुश हो जा। क्या पता किसी दिन इसी बिंदी से कोई चमत्कार हो जाए। नागमणि कहाँ कहाँ तेरे माथे पे? अगर वो भैंसा नागमणि अपने सिर में लेकर घूम सकता है तो क्या मैं ये बिंदी अपने माथे पर चिपका कर नहीं घूम सकती? ऑफ कोर्स घूम सकती हो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये बिंदी की शॉपिंग करती कहाँ से हो। ये सारी बिंदियाँ ना कस्टम मेड है। हाँ, होगी तुम्हारी तरह शैतानी और रंगीन। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुझे क्या पता कि इस वक्त मेरे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मक्खी तू रुक तो जा और सुन सुन मेरी रंगरलिया क्या है, मतलब देख कर तो जा। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये नागमणि और मेरे पास दो दो है। दो दो क्यों है? तेरे पास माथा तो एक ही है कहीं, वो भी तो दो नहीं है। अरे नहीं रे येड़ी। What's येड़ी? येड़ी, येड़ी मतलब सुंदर। आए तो कितनी सुंदर है, तो मैं सोच रही थी कि तेरी इस सुंदरता को और सुंदर बना दू। मेरा मतलब है थोड़ा सा मेरा दिमाग तुझे दे दू, मतलब ये नागमणि तुझे दे दू, चिपका ले अपने माथे पे, ताकि जब भी तू मेरा मतलब जब भी हम आईने में अपने आप को देखेंगे ना, तो ये बिंदी हमें याद दिलाएगी कि हमें नागमणि हासिल करनी है। ये ले। ओह, पर ये बिंदी बिल्कुल तुम्हारी तरह मोटी है। ए मोटी, ये क्या दुकान खोल रखी है तूने? अच्छा हुआ काली नागिन तू आ गई। चल ये बिंदी तू चिपका ले अपने माथे पर, क्योंकि ना तेरा दिमाग जब देखो मर्दों को पटाने में ही लगा रहता है। जहां मिला वहां कतार में खड़ी हो जाती है, छोटी नागिन बनके तो कभी एनाकोंडा बनके। एक काम कर, इस बिंदी को तू अपने माथे पे लगा ले, ताकि तुझे भी याद रहेगा कि हमें उस नागमणि के पीछे। मोटी देख, ये नागमणि है ना, ये नागमणि जो तेरी बिंदी है ना, ये तो अपने माथे पर लगा। चार ऊपर लगा और दो नीचे लगा। अरे अब काली नागिन, अगर अगली बार वो नागमणि तेरे हाथ से निकल गई ना, तब देखना ये बिंदी अपने माथे पर चिपकाएगी। ए बिंदी की दुकान, मुझे धमकी मत दे। मैं नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, और इस नागमणि के चक्कर में 118 साल की हो गई। कभी कहती है कि नागमणि के पीछे जा, कभी कहती है कि उस आधे भैंसे और आधे इंसान के पीछे जा, कभी कहती है उस भैंसे की डार्लिंग बन जा। एक ही मेरी को राउंड में बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहे। तू नचा रही है और हम नाच रहे। और मेरा रॉकी पल पल उस शिवांगी के करीब जा रहा है, उसका होता जा रहा है, और मैं नागिन तमाशा देख रही हूँ। लेकिन अब बस, मैं और तमाशा नहीं देखूंगी। मैं तुम दोनों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो करूंगी मैं अपने लिए करूंगी। और देखना, मुझे नागमणि मिल जाएगी और फिर उस नागमणि की शक्ति से मैं रॉकी का दिल जीत लूंगी और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। मुक्का लात, रॉकी तेरा कभी नहीं हो पाएगा, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। ए मोटी देख, मेरा दिमाग आज बहुत गर्म है। अरे काली नागिन, जला दूंगी तुझे मैं। मक्खी मक्खी, तेरा वो जादुई कटोरा किधर किधर है? वो कटोरा ला अभी के अभी मुझे दे। ओ शीश शीश, चीज आउट ऑफ कंट्रोल, आज नहीं छेड़ते हैं। ऑफ कोर्स शीश। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि महेश का सिंह कहाँ है?
हे मक्खी, तेरे कटोरे में तो कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ चिंगारी भड़क रही है इसमें। अभी तो चीख चीख के कह रही थी, इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। अरे तो पूछना इन चिंगारियों से भड़क क्यों रही है। एक नागिन के सामने भड़क रही है। ए मोटी, इस मक्खी से पूछ कि इसका ये कटोरा सिंह क्यों नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? ये सिंह अब किसी को नहीं दिखेगा। जिसकी रक्षा स्वयं शिव करे, उसे कोई छू भी नहीं सकता, कोई नहीं जान पाएगा। दूर दूर तक किसी को नहीं दिखेगा कि महेश का सिंह कहाँ है, क्योंकि चारों ओर मैंने मायावी शक्तियों को प्रकट कर दिया है। शक्तियों का ऐसा कवच बना दिया है जिसे कोई नहीं भेद पाएगा। गुरुदेव, महेश बहुत शक्तिशाली है, अब तो उसके पास नागमणि भी है। किसी भी तरह से उसने अगर ये कवच भेद दिया तो उसे रोकेगा कौन? तू रोकेगा उसे। आज से तू इस सिंह का रखवाला है। वो महेश अगर इस माया जाल को तोड़कर तुझ तक पहुंच जाता है तो तू इस सिंह की रक्षा करेगा। कैसे करेगा ये तू जाने, पर रुद्र इतना याद रख, तू एक नाग है, शिव का भक्त। अगर तुझे नागमणि की रक्षा करनी है तो तुझे इस सिंह की रक्षा भी करनी होगी। अगर वो महेश, वो तुझसे लड़ाई भी करेगा, पर तुझे उस लड़ाई में जीतना होगा। अगर महेश को ये सिंह चाहिए तो उससे पहले मुझसे लड़ना होगा, मुझे मारना होगा। याद रखना, शिव के भक्त कभी नहीं मरते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।